सर बोलिए, कैसे पब्लिक का रेस्पॉन्स? अभी हम देख रहे ना, जा रहे ना, पब्लिक की यहाँ जहाँ देखो वहाँ समस्या ही समस्या है। यहाँ से जो MLA खड़ के मिनिस्टर बने, पहले बात तो पब्लिक को धोखा दिए। BJP और TDP अलायंस में मिनिस्टर बने अपने स्वार्थ के लिए, पब्लिक के स्वार्थ के नहीं, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने TRS ज्वाइन किया और मंत्री पद लिया। ठीक है, मंत्री पद लिया, मगर पब्लिक बहुत आशा थी कुछ ना कुछ हमारे यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, मगर मैं देख रहा हूँ कुछ डेवलपमेंट नहीं है। जहाँ की समस्या जो मैंने 5 साल पहले देखी पदयात्रा, उनके साथ हम भी अलायंस थे, वो समस्या जहाँ की वहीं है। वही आज वो लोग बोल रहे हैं, कल आप लोग वोट पूछे थे, हम वोट दिए थे, श्रीनिवास यादव को जिताए थे, यहाँ से आपकी अलायंस में था बोल के, मगर समस्या का कुछ भी समाधान नहीं हुआ। रोड देखो आप, डेनिस देखो, लाइट देखो, और गरीबों का जो झोपड़पट्टी के अंदर घरा है, ऐसी हालत है उनकी। शायद वो हालत, तो हम सोचे थे डबल बेडरूम हर जगह बना के देंगे, मगर डबल बेडरूम जो हमारे सनत नगर असेंबली में देख रहा हूँ, खाली एक जगह बोईगुड़े में जो बना, वो बना के क्या बोलते, काउंसलर सीटा पूरे जीत लिए। अब ये दूसरे के डबल बेडरूम और ये लोगों को दो दो एकड़ जमीन समाज को देंगे बोल के वो समाज के वोटा ले लेंगे। मगर मैं आपसे माध्यम से एक ही बोलना चाहता हूँ, जनता ये बहकाओ मत आओ, ये झूठ बोलने का इनका एक रेगुलर सिस्टम हो गया। क्यों बोलते हो, जो मुख्यमंत्री है वो खुद ही झूठ बोल रहे हैं कि जब जब इलेक्शन के पहले उन्होंने एक वादा किया था TV के अंदर देख रहे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, SC कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, उनका वादा वहीं चले गया। मैं डबल बेडरूम बना के लोगों को देखा, उनका वादा वहीं चले गया। गरीबों को 1 लाख नौकरी दूंगा बोला, वो आधा चले गया। और LKG to PG में फ्री में एजुकेशन दूंगा, उनका आधा चले गया। मेडिकल में वो सबको सहूलियत दूंगा, वो चले गया उनका वादा। और 3 एकड़ ज़मीन दूंगा, वो सब वादे चले गए। मैं समझ में नहीं आ रहा आप क्यों बोलना चाहते हैं इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन आते हैं हम झूठे वादे करके चले जाते हैं। सर ऐसे बाजू लगाए तो एक इंटरनल मैसेज है कि TRS BJP इंटरनल एग्रीमेंट है इलेक्शंस के बाद मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करने का। सवाल ही नहीं है, अगर ऐसा इंटरनेट होता तो पहले हम लोग समझौता करते। हमारे अमित शाह जी जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने स्पष्ट किया ये बार हम इलेक्शन लड़ना है, ये बार ठीक है, हम ये बार हम ज़्यादा सीट लाएंगे और गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, अगली बार भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट आ रही है। पहली बार 119 सीट में कंटेस्ट कर रहे BJP तेलंगाना स्टेट में, अभी तक पूरा सीट्स कभी कंटेस्ट नहीं करे, कभी भी अलायंस के साथ ही कंटेस्ट करे, आपका कैडर कितना तक स्ट्रांग है आपको? हमारा 2009 में भी हम लोग करे पूरे, जब जॉइंट था आंध्र और तेलंगाना में, जब भी हम पूरे सीट ज्वाइन करें, और ये बार पूरे आज कैडर हर जगह देखो, वो लोग कैडर उनके पास नहीं है, पैसों से लेके आके पदयात्रा कर रहे हैं। आज मेरे पास जितने भी लोग हैं आप पूछ सकते हैं, मैंने कभी किसी से पैसे नहीं, वॉलेंट्री उनमें जोश है कि ये सरकार को हटाना, चेंज मारपू, एक शब्द निकल गया आजकल मारपू होना बोल के। क्यों बोलते हो, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और जब हम समस्या की तरफ देखते हैं ना, गरीब की तरफ, बच्चों की तरफ, छोटे छोटे बच्चों, एजुकेशन नहीं है उनका, अब एजुकेशन नहीं है तो कहाँ से ग्रोथ बढ़ेगा हमारा तेलंगाना का। और जो स्कीम्स हैं इनके, स्कीम में पूरे करप्शन है। मैं बोलता हूँ अगर हमारी सरकार आए तो जितने भी स्कीम है इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, हमारा तो यही डिमांड। हर घर में पानी कैसा है सर? पानी आ रहा है हर घर में, नहीं आ रहे हैं सर, मगर साफ पानी आ रहा है। अभी मैं कहाँ अमीरपेट वहाँ गया, सनत नगर में गया था, वहाँ पानी नहीं है, चार साहब वो पानी के लिए बम मार रहे थे, वो लोग बोल रहे पानी नहीं आया, तो उन्होंने एक आश्वासन दिया मेरे को, फिर जिताओ मैं टंकी बनाऊंगा, रोज पानी दूंगा। भाई इतने जब नहीं दिए तो आज क्या देंगे, कुछ नहीं दे रहे। आप देख लीजिए आउटसाइड में, आउटसाइड सिटी के आउटसाइड देखिए, चार चार यहाँ तो बोरिंग से लोगों के पास डाल ले रहे, मगर गरीब लोग जहाँ रहते हैं वो बस्ती में देखिए हालत क्या, क्या बोरिंग डाल सकता है गरीब आदमी? कोई नहीं डाल सकता। इसलिए सरकार इसके ऊपर ध्यान करना नहीं करती ध्यान, क्यों, जो स्कीम लगा रहे हैं वो लोग, वो स्कीम के अंदर जनता तक नहीं पहुँच रही है, नेता की जेब में पहुँच रही है, मुझे मालूम है। TDP कांग्रेस मिलकर कंटेस्ट कर रहे हैं तो आपके उसके वास्ते आपको कुछ TDP होने वाला है? TDP कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है, जनता के बीच में नहीं है, वो अपने बीच में है खाली बस। कांग्रेस वॉश आउट, TDP दुकान बंद, कहाँ है ये? हम देखे इलेक्शंस में TDP कहाँ था? अगर BJP रूलिंग में है तो कौन रहेगा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट? वो हमारे हमारे पास पार्टी के अंदर एक निर्णय करने की मीटिंग में बैठ के लोग निर्णय करते हैं, तो वो जो निर्णय करेंगे पार्टी तो सब लोग मानेंगे। परमानंद स्वामी कुछ है एरिया में कैंपेन करने का कुछ चांसेस है? बराबर परमानंद स्वामी आ रहे हैं, मेरी उनसे बातचीत हो गई है, रैली हम लगा रहे हैं जल्दी, उनसे मेरे अच्छे संबंध हैं। तो व्हाट आप लोग अगर रूलिंग आप जीत गए
फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने वाले इन लोगों को? एक बात देखना, हम कभी झूठ आश्वासन नहीं देते। कभी भी जनता मुझे फोन करेंगी तो डेफिनेटली मैं ना सिर्फ आधे घंटे के अंदर वहाँ उनके सामने रहूंगा, ये मेरा वादा है उनसे। तो फाइनली बोलिए, कितना मेजोरिटी से जीतने वाले आप? मैं 100% हम लोग 20,000 मेडी से जीतने वाले हैं। ठीक है, 20,000 मेजोरिटी से जीतने का रेडी है विमल साहब, तो देखेंगे कैसा रहेगा सनत नगर का कॉन्स्टिट्यूएंसी।